आप सबको जहाँ दोस्तों, मैं और सलमा हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग हाँ ठीक है, पता नहीं कल रात से हमारे बेबी को क्या हुआ है, बहुत ज़ोर से रो रहा था। तो रात के 12 बजे से अब दिन का 12 हो रहा है, तो इतना पूरा 12 से दिन 12 है। एक छोटा सा बेबी इतना देर तक कैसे जग सकता है, लेकिन जगा था, रात को तो जग गया था, रात को तो ऐसे खेल रहा था, लेकिन आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़ोर से रो रहा था। सिर्फ जब खाना खा रहा है तब चुप हो रहा है, नहीं तो बाकी टाइम पूरा ही रो रहा था। हम लोग तो पूरा डर ही गए थे, सोच रहे थे क्या हो गया हमारे बेबी को। तो हम लोग सोच रहे थे कि अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन अब सो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा उसका आराम करने देते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर फिर से उसको अच्छा नहीं लगेगा तो हम अस्पताल ले जाएंगे। और थोड़ा ज़्यादा पोटी किया और उसके बहुत सारे पोटी का कपड़ा जमा हो गया था, तो वो सब साफ कर कर के यहाँ पर खुशी के पापा भी पूरा थक गए, अब सो रहे, अभी अभी साफ करके आए। और मैं तो सुबह से मतलब ब्रश भी नहीं किया हूँ और खाना भी नहीं खाया, मतलब इतना ज़्यादा रो रहा था ना, इसलिए ब्रश भी नहीं कर पा रही थी, मतलब किसके पास भी जा नहीं रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। तो ठीक है, फिर अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और खाना खा लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग रही है, देखते हैं सो पा रही हूँ कि नहीं। मुझे जब ज़्यादा नींद लगता है ना तब मैं सो नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो चलिए फिर मिलते हैं। इधर पुचकू सो रहा है, बहुत ही मुश्किल से सोया है, तो उसको सोने देते हैं। अभी मैं बाहर जा रही हूँ। तो ये क्या खा रहा है, की खाओ जो कौन खाओ जो कोई दियो कुसमो। देखिए दोस्तों, ये कुसमो खा रहा है और ये एक जंगली फल होता है और बहुत ही खट्टा लगता है, और इसका जो बीज होता है उससे तेल निकालते हैं और वो तेल हाथ पैर में लगाते हैं, हम लोग तो वही तेल ही लगाते हैं। और इधर माँ साफ कर रहे हैं, वो बीज को निकाल रहे हैं, और बहुत सारे लाए हैं, कल गए थे भाई और माँ गए थे जंगल से लाए हैं उस फल को। अभी ये हमारा कृष्णा बाबू आप लोगों को खाकर दिखाएगा कैसे खाते हैं ये फल। ऊपर का जो छिलका होता है उसको पहले निकाल लेते हैं, फिर खाते हैं, और अंदर का बीज भी निकाल लेते हैं। ये जो फल है ये बिल्कुल लीचू की तरह खाया जाता है, लीचू के जैसा टेस्ट इसका नहीं है, ये बिल्कुल खट्टा लगता है, लेकिन इसका जो खाने का प्रोसेस है वो लीचू जैसे खाते हैं ऐसे ही खाया जाता है। तो ये फल खट्टा लग रहा है ना, कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है देखिए। ये फल को पहले खाकर उसका बीज निकालते हैं। इतना सारा खट्टा फल खाना तो संभव नहीं है, इसलिए ये फल को पहले कुचलते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाकर बीज से तेल निकालते हैं। तो देखिए हमारे कृष्णा बाबू कैसे कुचल रहा है, सब कुछ आपको डेमो करके दिखा रहा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं बाहर की तरफ आई थी ब्रश करने के लिए, देखी तो भाई ने यहाँ पर चिकन बना रहे हैं, मतलब बना नहीं रहे हैं, अभी चिकन को साफ कर रहे हैं और उसके बाद चिकन का करी बनाएंगे। आज तो मज़ा ही आ जाएगा, चिकन खाने को मिलेगा ना। तो मैंने ब्रश कर लिया है और अभी किचन में हूँ, तो अभी थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लूँगी, क्या है देखती हूँ खाने में। और अभी ताज तो चिकन बनेगा, चिकन के साथ एक बार मैं चावल खाऊँगी, और ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे आज का वीडियो,
मैं भी थोड़ा नहा लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रात को भी नहीं सोया था ना, तो नींद लग रही है। सोने के लिए मैं कोशिश करूँगी जब तक बेबी सोया हुआ है, और जब वो चिकन बन जाएगा तब उठ के मैं खाना खाऊँगी। और आज का वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जहर।